अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद कश्मीरी और आप देख रहे हैं राशिद कश्मीरी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्म क्या होता है, कर्म के बाद सच्चाई कैसे बनती है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक मल्ले में कितनी सच्चाई होती हैं, इसी तरह आज हम बात करेंगे कर्म क्या होता है, कर्म का तरीकाकार क्या है। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक मल्ले में कितने कर्म होते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? एक कर्म 5.5 फीट का होता है। कर्म को चेक करने के लिए या उसको मापने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप इसको 5.5 फीट के साथ करेंगे तो आप पे एक कर्म आ जाएगा। इसका एक तरीका और भी है कि आप अपने पांव के साथ भी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कर्म कितने का होता है। उसका भी एक तरीकाकार इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अच्छा, एक कर्म हो गया जी 5.5 फीट का। 5.5 इस तरफ से ले रहे ऐसे और 5.5 फीट आपने ऐसे ले लिया। 5.5 इन दोनों को अब हमने स्क्वायर फिट में करना है। ये फिट है 5.5, इसको इंटू करेंगे 5.5, ये आ जाएगा 30.25। यानी कि कर्म आ गया 5.5 फिट का। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 फिट ऐसे और 5 फिट ऐसे ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 30.25। यानी कि ये एक हमारी सरसाई होगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक सरसाई जो है वो 30.25 फीट की होती है। 30.25 फीट की एक सरसाई आ गई और ऐसे ही जब 9 सरसाई हो जाएगी तो उसका हमारे पास एक मल्ला आ जाएगा। ये हो गया कर्म। चले मैं अब आपको बताता हूँ कि एक मल्ले के अंदर कितने कर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एक जो कर्म है वो 5.5 का होता है। अब आप मल्ले में कितने कर्म होते हैं, सबसे पहले आप ये देख लें। मैंने ये बनाया हुआ है, 3 कर्म जब ऐसे होते हैं, 3 कर्म ऐसे, 3 ही कर्म ऐसे। एक कर्म मैंने पहले आपको बता दिया 5.5 फीट का, 3 कर्म ऐसे और 3 कर्म ही ऐसे। यानी कि अब हम इसको स्क्वायर फिट में कर रहे हैं। 3 हमने इस तरफ से लेने हैं, 3.5, ये हमारे पास आ जाएगा 16.5। ठीक हो गया। ऐसे ही अब हमने इसकी ये हमने लंबाई ले ली, अब हम इसके लिए चौड़ाई ये भी देखें, इसको भी क्या 3.5, ये भी आ गया 16.5। अब हम इन दोनों को, ये 3 कर्म है, मैंने आपको बताया एक मल्ले के अंदर 3 ही कर्म होते हैं। अब आ गया 16.5 ज़रब 16.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 272.25 स्क्वायर फिट। यानी कि एक मल्ले में 3 कर्म आ गए, 3 इस तरफ से आ जाएंगे, 3 ही ऐसे आ जाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मल्ला निकल आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह तबारक तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ बख्शे। आमीन।